हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के वीकली व्यू के बारे में, और जैसे कि मैंने टाइटल अभी देके रखा है और आप वो रीड कर सकते हो, इन अ प्रीवियस वीडियो आई सेड दैट इफ गोल्ड इज ब्रेक 1500 लेवल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन द प्रीवियस वीडियो, देन वी सी 1450 लेवल हमने डिस्कस किया था कि जो गोल्ड है वो आपको 1500 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा तो फिर आपको 1450 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और अगर आपने जो लो चेक किया हो तो लगभग 1450.90 मतलब 1450 के आसपास है, मतलब जो हमारा सेकंड जो हमारा सपोर्ट था वो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि गोल्ड ने वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो क्लोजिंग भी 1500 और 1 के आसपास दिए है, मतलब 1500 का जो सपोर्ट है वो वीकली बेसिस के ऊपर अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1500 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड के पहले सपोर्ट के बारे में। तो गोल्ड का जो पहला जो सपोर्ट है जो अब निकल के आ रहा है वो है लगभग 1475 के आसपास। जो उसका सेकंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया 1450 का, ठीक है, ये जो सपोर्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। दैट मीन्स कि इफ गोल्ड इज सस्टेन बिलो दिस लेवल और क्लोज बिलो दिस लेवल देन वी कैन सी अ वेरी शार्प मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको ध्यान में रखना है कि गोल्ड के अंदर अगर ये वाला जो लेवल है 1450 का वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको बहुत ही एक शार्प जो करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है, ओके। और थर्ड एंड फाइनल लेवल फॉर द गोल्ड इज 1395, ओके, इट्स अ फाइनल एट अ क्लोजिंग बेसिस। दैट मीन्स इफ गोल्ड इज सस्टेन बिलो दिस लेवल देन वी कैन सी वेरी शार्प मूवमेंट। अगेन आई रिपीट माय सेंटेंस फ्रेंड्स, If gold is break this level 1395, then we can see a very sharp movement up to 1375 to 1325. Again, I repeat, if gold is break 1395, then we see 1375 to 1325. अगर गोल्ड ने ये जो लेवल है दोस्तों वो ब्रेक कर दिया फाइनल हमारा, तो फिर आपको 1375 मतलब 1375 से लेके 1325 के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के टारगेट के बारे में। सो नंबर वन टारगेट फॉर द गोल्ड इज 1530 लेवल। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट एट अ क्लोजिंग बेसिस। दोस्तों ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा गोल्ड के लिए, 1530 का लेवल। अगर गोल्ड जो है वो ये लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें गोल्ड के अंदर थोड़ी सी तेजी जो है वो आगे देखने को मिल सकती है, ओके। नेक्स्ट टारगेट फॉर द गोल्ड विच इज कंसिडर एज अ फाइनल टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक्स अकॉर्डिंग टू माई चार्ट रीडिंग इज अ 1550 लेवल, ओके। इट्स अ फाइनल एट अ क्लोजिंग बेसिस अकॉर्डिंग टू माई चार्ट रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। दोस्तों जैसे कि मैं अभी जो चार्ट रीडिंग करवा रहा हूँ इससे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि 1550 का जो लेवल है
वो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या तो उसके ऊपर अगर उसको जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर गोल्ड ने ये जो लेवल है वो अच्छी तरीके से सस्टेन कर लिया ऊपर की तरफ, तो फिर आपको फिर से गोल्ड के अंदर 1575 से लेके 1600 के जो लेवल है, 1600 के जो लेवल है वो फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो बात जो थी वो गोल्ड की रहे। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट, हमारा मेन फाइनल जो सपोर्ट है वो 1395 का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट जो है वो नंबर 1530 का, उसके ऊपर जाना जो है वो भी जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा जो धीरे धीरे ऊपर जाने की उसकी जो है वो संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, हमें दोस्तों प्राइस के साथ चलते रहना है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाना है, प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस के साथ साथ धीरे धीरे नीचे आना है। अगर नीचे आ रहा है तो एक 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 सपोर्ट ध्यान में रखना है, ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे टारगेट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसा रहा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे जो है वो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसके अंदर हम वीकली व्यू जो है वो शेयर करते हैं डिफरेंट टाइप के कॉमोडिटी, और साथ में करेंसी की भी जो है वो हम डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।